चाइना का एक पुअर फैमिली का लड़का जिन्होंने अपने स्टडी भी ठीक से नहीं किया एंड एक दिन अपने दम पे खड़ा किया वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट Alibaba.com जो कि अमेजन से भी बड़ा है एंड आज के डेट पे अलीबाबा का वैल्यूएशन है 14 लाख करोड़। बट हर स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। इन अक्टूबर 2020 एक दिन रातों रात अचानक जैकमा गायब हो गया एंड इट इज मोर देन 2 ईयर्स नाउ जैकमा इज मिसिंग। माँ का गायब होने से एक साल पहले सितंबर 2019 चाइना 73rd रिचेस्ट पर्सन गुएंगुई ने मीडिया के सामने एक खुलासा किया था, माँ आइदर जेल जाएगा और मारा जाएगा। बट द क्वेश्चन इज कैसे पता था उन्हें सब चीज, वॉज दैट अ कंस्पिरेसी? एंड चाइनीज हिस्ट्री में माँ इज नॉट द ओनली 1 पर्सन जो ऐसे ही गायब हो गया। इससे पहले बहुत सारा बिलीनियर ऐसे ही गायब हो गया था, बट ऐसा क्यों? इस कहानी का आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं जैक माँ का पुअर से रिच होने का जर्नी। ये कहानी शुरू हुआ था फ्यू डेकेड्स बैक, 10 सितंबर 1964। चाइना का एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ था जैक मा एंड ही वॉज नॉट गुड इन स्टडी। प्राइमरी स्कूल एग्जाम में 2 बार, मिडिल स्कूल में 3 बार एंड यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम में भी 3 बार फेल हुआ था। एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे 10 टाइम्स एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, बट ईच टाइम रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन वॉज द पार्ट ऑफ हिज लाइफ, बट उन्होंने कभी होप नहीं छोड़ा। कॉलेज कम्प्लीट करने के बाद 30 डिफरेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, बट इच प्लेस से उन्हें रिजेक्शन मिला था। वेन KFC आया था फर्स्ट टाइम इन चाइना, माँ को लेकर 24 कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई किया था एंड आउट ऑफ 24 23 सिलेक्ट हुआ था। माँ सिर्फ अकेला था जिन्हें रिजेक्ट किया गया था। इन द ईयर ऑफ 1995 जैक माँ फर्स्ट टाइम USA विजिट किया था एंड USA में इंटरनेट पे फर्स्ट थिंग वो सर्च किया था बियर, बट ही वॉज वेरी सरप्राइज इंटरनेट पे चाइनीज एक भी प्रोडक्ट नहीं मिला। एंड फ्रॉम देयर अलीबाबा का थॉट्स आया एंड उन्होंने वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स वेबसाइट अलीबाबा को फाउंड किया। वी इंडियंस इस वेबसाइट के बारे में उतना जानते नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूजर्स चाइनीज है। रिसेंटली इंडिया एंड चाइना के बीच में टेंशन के वजह से अलीबाबा को बैन कर दिया फ्रॉम इंडिया। इन द ईयर ऑफ 2014 माँ ने अलीबाबा ग्रुप के अंदर एंड ग्रुप नाम से एक कंपनी खोला था एंड ग्रुप के अंदर अली पे डिजिटल वॉलेट आता है लाइक जीपे पेटीएम एंड अली पे का करंट यूजर मोर देन 100 करोड़। सब कुछ सही चल रहा था, बट ऑन 24 अक्टूबर 2020 पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का एनुअल मीटिंग में एक छोटा सा गलती कर बैठा जहां उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट का मनी रेगुलेटिंग पॉलिसी को लेके बोला था इफ द सिचुएशन कंटिन्यूज लाइक दिस देन आगे बिजनेस के लिए उतना स्कोप नहीं होगा एंड चाइनीज बैंक को पॉन्स ऑफ मेंटेलिटी के साथ कंपेयर किया था। उस इंसिडेंट के 2 दिन बाद अचानक जैक मा टोटली गायब हो गया एंड किसी को पता भी नहीं है किस हालत में कहाँ है। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता देन माँ का नेटवर्क पे 4.7 लाख करोड़ ऐड हो जाता बिकॉज 5 नवंबर 2020 को एंड ग्रुप 2.6 लाख करोड़ से चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने वाला था। ऑन 24 अक्टूबर चाइनीज गवर्नमेंट ने अचानक सभी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिया था। उसकी वजह से एंड ग्रुप चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया था एंड अलीबाबा ग्रुप के ऊपर एंटी करप्शन का एलिगेशन लगा के इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया था। एंड नॉट ओनली दैट, अप्रैल 2021 में अलीबाबा ग्रुप के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का फाइन लगाया था एंड अली पे चाइना में इतना पॉपुलर हो गया था चाइनीज गवर्नमेंट को इनसिक्योरिटी फील होने लगा क्योंकि गवर्नमेंट को लगा लोग बैंक छोड़ के अली पे डिजिटल वॉलेट पे पैसा रखेगा एंड एज अ रिजल्ट पैसा के ऊपर एक प्राइवेट कंपनी का कंट्रोल होगा। 20 जनवरी 2021 में जैक मा को एक चैरिटेबल इवेंट में सिर्फ 20 सेकंड के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में देखा गया था एंड दिस वॉज द स्टोरी ऑफ जैक मास राइज एंड फॉल। एंड नाउ इट इज़ अ रैपिंग टाइम। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।